छतरपुर में एक बेरोजगार युवक के पत्र से हड़कंप मच गया। इस युवक ने लिखा है कि रोजगार नहीं मिलने से युवक रेप और चोरी जैसे काम कर रहे हैं। अगर उसे भी रोजगार नहीं मिला तो वह भी मजबूरी में ऐसे ही कदम उठाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मध्य प्रदेश सरकार बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाने के लिए रोजगार मेले का आयोजन कर रही है, लेकिन छतरपुर में एक बेरोजगार युवक के आवेदन से हड़कंप मचा हुआ है। लवकुशनगर ब्लॉक के अटकोहा गांव के हर्ष गोस्वामी ने कलेक्ट्रेट की शिकायत शाखा में एक आवेदन दिया है। उसने कहा है कि वो 10वीं पास है, उसके बाद उसने आईटीआई की है, लेकिन उसे अभी तक कोई रोजगार नहीं मिल पाया है। युवक ने आवेदन में यह भी बताया है कि बेरोजगार युवकों की स्थिति अब बदल गई है, जिसकी वजह से युवक चोरी करते हैं, रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। यदि उसे रोजगार नहीं मिला तो वो भी ये सब करेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इतना ही नहीं, शिकायत शाखा में युवक के इस आवेदन को सील लगाकर भी जमा कर दिया गया है। इस आवेदन से प्रशासन सतर्क हो गया है। जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि जिस युवक ने यह आवेदन दिया है उससे संपर्क करके शासन के नियम अनुसार उसे रोजगार दिलाने की कोशिश की जाएगी। अब उसको बुलाएंगे, समझाया जाएगा कि शासन ने, मध्य प्रदेश शासन ने और केंद्र सरकार ने, दोनों ने स्वरोजगार के लिए कई योजनाएं चला के रखी हैं। वो जो योजना पसंद करेगा तो उसकी मदद की जाएगी। अब शासकीय नौकरी हर व्यक्ति के लिए तो उपलब्ध होना नामुमकिन है। जो कंपटीशन में लोग भाग लेंगे और जो अच्छे नंबर लाएंगे, नौकरी उन्हीं को मिलेगी। मतलब उसको रोजगार दिलाने की प्रयास किया, रोजगार दिलाने का बिल्कुल शासन का प्रयास किए जाएंगे। केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार दोनों की कई योजनाएं स्वरोजगार के लिए चल रही हैं। प्रयास करेंगे कि उसको कहीं ना कहीं से जो उसकी पसंद का स्वरोजगार हो उसमें उसको मदद की जाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।